जब यह सन्यासी को देखा तो वह पूछ दिया, कहा ये भी बात हमसे जो है पिताजी छुपा के रखे, चलो अब घर चलो, इतने बहुत देखे। पूरा कपिल वस्तु जब सिर गया करने के लिए घूमने गया तो क्या सब चार बातें देखी, चार चीज देखा ना, क्या सब देखा था, एक एक और दूसरा और तीसरा चौथा सन्यासी देखा, ये चार चीज देखा ना। महात्मा बुद्ध के माता का क्या नाम था, माया देवी, और सौतेली माँ का क्या नाम था, हाँ उसका जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी बाद में आता है, ईस्वी पूर्व जो है बहुत पुराने कहानी है, 2020-21 चल रहा है ना, इस साल प्रारंभ जब होता उससे 500 बरस पहले का था ना, यानी कि एक तारीख एक महीना पहला साल से 563 वर्ष पहले, और इससे पहले का जो है ईस्वी पूर्व लगता है, जब ये तारीख साल जब ये शुरू हुआ अंग्रेजी, ठीक है, उससे पहले की बात है, यानी कि समझ लो 2100 वर्ष से 500 वर्ष पहले की बात, अभी 2021 चल रहा है, 2000 वर्ष तो गुजर न गया ना, तो इससे 500 वर्ष पहले, तो समझ लो कुल मिलाकर कभी 2021-2100 हुआ, इसका 563 हुआ, तो कितने वर्ष हो गए अभी कुल मिला के महात्मा बुद्ध का जन्म, तो देखो 2021 जोड़ो, 2021 जोड़ लो और 563 जोड़ो ना, 3 × 4 = 6 × 2 = 8 = 5 = 2, देखो 2584 वर्ष हो गए उसका जन्म, उसका जन्म का 2584 वर्ष हो चुका है ना, इसीलिए क्या है कि तो उसका जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में, उसके पिता का क्या नाम था, नहीं सुद्धोधन, शाकगण के मुखिया थे, कहाँ के मुखिया थे, यह शाकगण के मुखिया थे, देखो शाकगण के मुखिया थे, कहाँ के मुखिया, शाकगण के, हाँ शाकगण के यह मुखिया थे, ठीक है, कहाँ के मुखिया थे, शाकगण के मुखिया थे। अब हम आगे देखते हैं ये क्या किया, फिर लौट के कहाँ गया, वापस गया, ठीक है, ये घर लौट के आया, तो जब यह घर आया लौट करके तो अपनी माँ से कहती है, हमने बहुत चीज देखा है, इसकी माँ तो समझ गई पहले ही, अभी घर से गयो, बहुते दिन हम जो है इसको रखे, इसकी पत्नी भी समझ गई, इसकी पत्नी भी समझ गई थी ना कि इसको हम बहुत कितनों कोशिश किए ना, लेकिन ये नहीं रुका, तो यह जो घर जो कपिल वस्तु की जो शेर में निकला था यह कब निकला था, तो यह 29 वर्ष की अवस्था में, लेकिन एक बात इससे पहले छूट गया है, हम इसको बता देते हैं, यह घर से जाने से पहले जो था, समझ रहे हो, एक चीज छूट गया है, यह घर से जाने से पहले क्या किया था, नहीं उसके बाद क्या हुआ था, जब उसके बाद जब घर आया तो ये सब देख लिया था नहीं, उसके बाद इस यशोधरा जो थी यह गर्भवती थी, तो ये घर आया ना, ये महात्मा बुद्ध घर आया तो ये बाहर जाने के बारे में सोच रहा है, उधर से ये जो था ये एक बच्चे को जन्म दे दी, वो आकर के उसके दरबारी आई और कहे कि मैं नहीं अब नहीं, पहले बहुत से आता था, क्या कहता था कि देखिए महाराज आपको लड़का हुआ है इसका नामकरण कीजिए, तो उसमें क्या हुआ था, ये बाहर जाने के बारे में सोच रहा था महात्मा बुद्ध, ये जो है कहे कि महात्मा बुद्ध समझे क्या कि जब बच्चे को जन्म दे दिया तो आया कहने के लिए, महाराज तो क्या, अरे जरा इसका नामकरण कीजिए ना, आपको लड़का हुआ है, बालक हुआ है। अब तो महात्मा बुद्ध कहे ओह ई कहाँ से गढ़ आ गया, ये तो एक तीसरा आफत आ गया, दो गो आफत है, ये है एक ई है एक ई है कि नहीं, आ एक ई है, ई सब को छोड़ कर हम जाएंगे तो कोई नहीं कहेगा कुछ नहीं है, आ लेकिन एगो जो ई आ गया है नहीं, इसको छोड़ के जाएंगे तो सब लोग क्या कहेगा, तो जानते हो कि क्या, अरे क्या कहता है, माता को छोड़ के गया, पिता को छोड़ के गया, सो सही है, लेकिन एगो दो चार दिन का बालक को छोड़ कर चल गया ये ठीक नहीं किया, नहीं सब यही दूसरेगा, यही न कहे, ये महात्मा बुद्ध ही सोचने लगे, कहता है महाराज इसका नामकरण कीजिए ना, तो वो कहते हैं क्या सो जानते हो, बढ़िया सो, वो कहते हैं ये जो है ना हमारे रास्ते का कांटा हो गया, बालक जो जन्म लिया
हमारे रास्ते का क्या हो गया, कांटा हो गया, इसीलिए वो कहे कि राहुल। अब दरबार ने सुनी राहुल नाम रखे हैं, राहुल नाम रखे, वो चिल्लाते चली गई कहाँ। और राहुल का मतलब क्या होता है, सो कोई व्यक्ति यदि राहुल नाम रखता है तो उसका अर्थ समझ लो। देखो राहुल नाम का अर्थ होता है रास्ते का बाधा। क्या होता है? रास्ते का बाधा, बाधा। इसका मतलब क्या होता है? रास्ते का बाधा। वो बोले कि ये रास्ते का कांटा है या रास्ते का बाधा है, इसलिए वो बोले कि राहुल, मतलब ऐसे बोले राहुल मतलब रास्ते का बाधा। मतलब हम जा रहे थे कहीं और, ये कहां से जन्म ले लिया पता नहीं, इसलिए बोले राहुल। राहुल का मतलब क्या होता है, समझ गए हो? रास्ते का बाधा, क्या कहो, रास्ते का कांटा है कि नहीं। राहुल जिसका भी नाम है याद रखना वो रास्ते को बाधे होगा, तो कहोगे ये करो, तू कहेगा नहीं हम ये करेंगे, है कि नहीं। तो ये क्या, उसका वो चिल्लाती हुई चली गई क्या, महाराज ने बालक का क्या नाम रखे, राहुल नाम रखे। इसलिए हम बताते हैं महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। देखो बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, बुद्ध के पुत्र पुत्र का नाम जो था क्या था, राहुल। देख लिए, अब समझिए कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, राहुल नाम था। अब ये समझे महात्मा बुद्ध, यदि हम इसको छोड़ करके जाते हैं नहीं, लोग कहेगा माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, पत्नी को भी छोड़ दिया, सब चलेगा, लेकिन ये दो दिन चार दिन के बालक को छोड़ के जाएगा, ये नहीं ठीक है। अब तो हम फेतरज में पड़ गए, जब फेतरज में पड़ गए अब क्या किया जाएगा नहीं, तब ये क्या किए कि लास्ट में जो है 29 वर्ष की अवस्था में कब गृह त्याग किए, घर त्यागे, घर त्याग दिए। घर कब त्यागे, तो 29 वर्ष की अवस्था में, जब महात्मा बुद्ध की उम्र 29 वर्ष था, ठीक है, जब महात्मा बुद्ध की उम्र जो था 29 वर्ष था, तब यह क्या किए, घर को त्याग दिए। और जब ही घर त्याग दिए, जब ही घर त्याग दिए, तब क्या किए, कहे अब तो घर त्यागने के बाद जरा यहां से देखना है, हम नक्शा पर बताते हैं। देखो देखो थोड़ा छोटा करके बना दिए हैं भारत नक्शा, ठीक है। ई क्या किए सो देखो बताते, महात्मा बुद्ध सबसे पहले जो थे ना उत्तर प्रदेश आए, यूपी में क्या किए, वहां पर जब गए तो वहां पर जो थे, यानी कि मतलब चार गो पांच गो के साथ गए, ठीक है, उनके दो गुरु था उसके, उनके कौन कौन दो गुरु थे नहीं, उसके दो गुरु थे, वो क्या किए, एक गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत, ठीक है, क्या नाम था, रुद्रक रामपुत। तो रुद्रक रामपुत से जो थे वह एक शिक्षा ली, कौन सी शिक्षा ली, तो वह जो थे शिक्षा जो लिए वह किसका शिक्षा ली, योग शिक्षा ली। कौन सा शिक्षा ली, योग से मतलब तपस्या उपस्या करने की शिक्षा ली, कि हमको कैसे तपस्या करना, तो सबसे अधिक उन्हीं को मानते हैं, ठीक है। आ जब यह गए, ठीक है, तो ये क्या किए, जो यहाँ यूपी में गए, उत्तर प्रदेश में जा करके, और वहाँ तपस्या करने लगे, क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। आ तपस्या जब करने लगे तो चार गो पांच गो था, चार पांच गो था, मतलब पांच गो था वो अपने हुए, पांच गो साथी वो था नहीं, तो बैठ करके सब अपना आंखें बंद करके और ऐसे करके वो तपस्या, मतलब अरे खेते उठता है कहीं बैठ के अपना तपस्या करने लगे। और जब वो तपस्या करने लगे, ठीक है, जब वो तपस्या करने लगे तो अभी देखो क्या हुआ, और जब यहाँ आया नहीं, तो यूपी जब गए महात्मा बुद्ध, तो पांच गो छह गो मिल करके, पांच गो सारथी थे, वो अपने थे नहीं, पांच गो साथी अपने मिल करके क्या किए, पहले सुन लो, पांच मिनट खत्म हो जाएगा फिर लिखना, उस साथी के साथ क्या किए कि मतलब बैठ करके अपना योगासन करने लगे, तपस्या में लग गए, दिन हो गए कि हमको जो है अब क्या करना है, सन्यासी बन जाते हैं, घर उनको त्याग देते हैं, पांच गो छह गो के साथ चल गए। जो सोची थी ठीक उसका उल्टा हो गया नहीं, बेचारी कुछ सोची,
हो गया नहीं हुआ। तब क्या किए ही पति को छह सात जो है ना उत्तर प्रदेश में, ठीक है उत्तर प्रदेश के कहां पर ये जगह है, तो देखो ये जगह का नाम है सारनाथ। क्या नाम है? सारनाथ। उत्तर प्रदेश के यह सारनाथ में पहुंचे। और जब इस सारनाथ में बैठ करके तपस्या करने लगे तभी क्या किए, एक उधर से बुढ़िया आती आई से देखो आई आंख बंद करके एकदम तपस्या कर रहे थे, ऐसे करके कर रहे थे ऐसे आंख बंद करके, और बुढ़िया आई सब जो था ना सब ऐसा ही आंख बंद करके कर रहा। ये बुढ़िया आई उधर से देखा कहा एक साल से जो है नी पशुओ छो बैठल है आ क्या कर रहा है पता नहीं, खाली जंगल में बैठ के ऐसे तपस्या कर रहा है, लगता है भगवान भी इसके डर से नहीं आ रहे हैं। इतना तपस्या करेगा तो सच सच में है कोई भी डर जाएगा, नहीं डरेगा। तो क्या किया एक दिन बुढ़िया कहे कि तुम इतना दिन से क्या कर रहे हो जी? महात्मा बुद्ध का आंखें खुला ऐसे खुले, कहे कौन बोलने लगा? अरे थोड़ी के उसको भी लगा कि कोई ऐसा न की आदमी है ना, इसीलिए बस महात्मा बुद्ध कैसे देखते हैं सो देखो ऐसे ऐसे आंखें आंखें ऐसे खोले ऐसे किए। और उसके बाद क्या किए सो देखो बगल में देखते हैं क्या कि एमहर को उमहर को हमको देख रहा ऐसे तिरछा कर ऐसे करके, कहीं बगल उगल वाला देख तो नहीं रहा है अपने साथी जो सब तपस्या कर रहा है, कहीं वो सब तो नहीं ना हमको देख रहा है, तपस्या छोड़ के बुढ़िया के देख रहा है। तो वो क्या किया महात्मा बुद्ध अपन तिरछी नजर से देखा, और जब तिरछी नजर देखा सब देखा अपन तपस्या में लिखा, महात्मा बुद्ध क्या किए फूर से उठ गए वहां से, और उठ करके चल गए कहाँ बुढ़िया के पास। अब बुढ़िया के पास जब पहुंचे तो बुढ़िया कहे बुढ़िया कहती है कि तू एक साल से यहाँ तपस्या कर रहे क्या मिल रहा है तुमको, कुछ मिला नहीं है, एक साल झूठे बैठे हुए हैं। उसको बहुत शर्म लगा, बहुत शर्म लगा महात्मा बुद्ध। और जब महात्मा बुद्ध को शर्म लगा तो महात्मा बुद्ध यहाँ से उठे और इस सब को छोड़ दिए, किसको हाँ इस सब जितना साथी था सबका, तुम अपन तपस्या करो हम यहाँ से जाते हैं, बस वो छोड़ के अकेले चल गए। और जब वहाँ से चल दिए तो यूपी ने था यूपी ने था, फिर आ गए कहाँ बिहार, कहाँ आ गए बिहार, बिहार के बोध गया, कहाँ आए बोध गया। तो महात्मा बुद्ध कहाँ आए बोध गया। अब बोध गया आए तो बोध गया में एक पीपल का वृक्ष था, ठीक है उस पीपल के वृक्ष के पास बैठ गए, उसके सामने पीपल वृक्ष के ठीक सामने जो था एक नदी था, उस नदी का नाम था निरंजना नदी, और निरंजना नदी का हम दूसरा नाम यदि कहते हैं तो उस नदी का नाम था फल्गु नदी। क्या नाम था? तो निरंजना नदी को हम फल्गु नदी के भी नाम से जानते हैं ना। तो वहां पर कहां पर बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना या फल्गु नदी के नजदीक ना यह तपस्या करने बैठ गए, वहां पर जो है इसे ज्ञान की प्राप्ति। तो महात्मा बुद्ध को यदि ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में। कहां पे? पीपल वृक्ष के नीचे ना और निरंजना नदी या फल्गु नदी के पास, वही ना हुआ। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कहां पर हुई? पीपल वृक्ष के नीचे ना और उसके बाद निरंजना या फल्गु नदी के ना। तो उन्हें यहां ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका पूरा शरीर जो था ना एकदम प्रकाशित हो गया, यानी जलने लगा, ज्ञान जब प्राप्त हुआ जलने लगा। तब यहाँ से उठे कहे कि हम तो अब ज्ञानी हो गए। आ जब ये ज्ञानी हो गए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, यहाँ से फुर से उठे। आ उठे तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अपन साथी एक न देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है कि वो भी भाग गया ना। ये फुरदबर उठे और चल गए कहाँ? सारनाथ पहुंचे। सारनाथ में वो पहुंच को जो साथी था उसको देखा ऐसे आंख बंद करके खूब अपना तपस्या कर रहा, खूब तपस्या कर रहा। ये पूछे कौन? महात्मा बुद्ध। हे क्या है जी, तू लोग अभी तक तपस्या कर रहे हो, हम तो ज्ञानों लेके चल आए हैं और तुम लोग यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। सब साथी का गजब है जी, ये तो हमारे लोग बैठल था, इसको ज्ञान मिल गया तो हमको कायम मिला, भगवान इसको कैसे ज्ञान दे दिया आकर के हमको कायम दिए, यो तो आश्चर्य वाला बात है।
कहा तो तुमको, अरे हम यहाँ थोड़ी लिए थे ज्ञान जी, हम तो गया चल गए। कहाँ? बोध गया, जो कहाँ पर पड़ता है? बिहारे में है। बिहार बहुत बड़ा चीज है, बिहार दिखने में भले गरीबी है लेकिन बहुत बड़ा है, हर चीज बिहारे में मिलता है। सबसे बड़ा ज्ञानी भी मिला तो बिहार में ही न, हर चीज देखो तो बिहार में ही मिलता है। सबसे पुराना स्कूल कॉलेज देखो तो बिहारे में है, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहारे में है न। तो हर चीज जो है ना सब बिहारे में है न। तो क्या किया, बिहार में जो था इसमें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, इस सारनाथ पहुंच करके पहला प्रवचन दिया। तो पहला प्रवचन जो था वो अपने साथियों के साथ न, पांच गो जो साथी था उसी के साथ बैठ करके यह प्रवचन दिए। तो सबसे पहला प्रवचन किस जगह पर दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था न। पहला अपना जो मतलब भाषण दिए थे वो कहाँ पर दिए? सारनाथ में। उसमें कौन कौन से थे? वह पांच गो साधु संत जो था वही सब। उसके बाद देखो क्या किया, ई पहुंच गया यहाँ से, उठे और चल दिए कहाँ? यहाँ आ गए लुम्बी। ये जब आए कहाँ पर, तो ई चले आए कहाँ? तो लुम्बिनी। कहाँ पहुंचे? लुम्बिनी नहीं, लुम्बिनी नहीं, हाँ लुम्बिनी पहुंचे। आज जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर उनको मिला कौन? किताम पढ़े हो गए अंगुली माल डाक। कौन मिला? अंगुली माल डाकू का तो नाम सुना हो, नहीं कभी पढ़े हो? छठा सतमा क्लास में सुना है जी? हाँ देखो ये पढ़ा है, तुम कहती हो नहीं, पांचवे छठा में हिंदी में जब है। अंगुली माल डाकू, अंगुली माल डाकू से भेंट हुआ। जब उसको अंगुली माल डाकू से भेंट हुआ तो वो क्या करता था? अंगुली माल डाकू जानते हो, जत्ते आदमी था ना सबका अंगुली काट करके, ठीक है, रात के निकलता था सूतले में सबका अंगुली काट लेता था और उंगली काट करके वो माला बना के पहनता था। वो सबका उंगली रोज काटता था और रोज एगो माला बदल बदल के पहनता था, है कि नहीं? उसका यही काम था, इसलिए उसका नाम क्या था? अंगुली माल डाकू। नहीं तो अंगुली माल डाकू जब क्या किया, इस महात्मा बुद्ध को देखा। अब महात्मा बुद्ध को देखा तो महात्मा बुद्ध को जब ही देखा कहा कि तू इतना रात को कहाँ घूमने जा रहा है जी, तुमको डर उर नहीं है हमारा? महात्मा बुद्ध के कौन ही बीच में चल आया जी, हम कितना मतलब जा रहे थे इससे घूमने के लिए, कौन बीच में चल आया है? अरे तुम हमको ऐसे कहोगे कौन? अरे हमसे तुमको डर नहीं लगता है जी? डर किस बात की? महात्मा बुद्ध कहे काहे डरेंगे, आप क्या हैं? कमाल है, अरे हम उंगली माल डाकू हैं, सबका उंगली काट कर देखते नहीं हो गला में कितना पहने हुए, और तुमको डर नहीं लगता है? कहा नहीं, कमाल है जी। तो महात्मा बुद्ध कहे हम काहे डरेंगे, डर तो आप रहे हैं। कैसा नहीं, और हमको कह रहा है कि आप डर रहे हैं? उंगली माल डाकू कहा हम कैसे डर रहे हैं जरा बताओ तो। तो कहा अरे आप नहीं डरते हैं? नहीं डरते हैं, बताएं कैसे डरते? हाँ बता दो तुम कह रहे हो। अरे हम जो है, बुद्ध कहे हम दिन हो या रात हो, हम कभी भी कहीं भी, चाहे कहीं भरी मेला हो या किसी बाजार हो, हम हर जगह जाते हैं, लेकिन तुम जो है जब निकलते हो ना घर से तो केवल रात को 12 बजे निकलते हो, 12 बजे रात के बाद निकलता है। तो डर नहीं है, तुम ना तो किसी दिन में निकल सकते हो, ना तो किसी मेले में जा सकते हो और ना ही किसी बाजार में जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि तुम्हें डर है। और डर किस बात की है? कि तुम्हें इस बात की डर है कि यदि हम दिन में निकलेंगे तो हमें लोग सब क्या करेंगे? मार देंगे। लेकिन हमको डर नहीं है, हम रात में निकले दिन में निकले जब मन होता है हम तब निकलते हैं। लेकिन तुम्हें डर है कि हम यदि 12 बजे रात से पहले यदि निकलते हैं तो हमको क्या करेगा? मार देगा। तो बताओ तुम डर रहे हो कि हम डर रहे हैं? कौन डर रहा है? डर तुम न रहे हो, हम तो नहीं डर रहे। अब कहा कौन? ये कपिल वस्तु नहीं था, श्रावस्ती था। यहाँ श्रावस्ती है, श्रावस्ती ये क्या था? श्रावस्ती पहुंचे, ठीक है, श्रावस्ती में वो मिला। तो ये क्या किया, यूपीएम पढ़ता है, ठीक है,
यहाँ जब पहुंचा ये क्या किया तो उंगली माल डाकू कहा कि तो गजब आदमी है, बड़ा बढ़िया बात बताया। उस दिन से क्या किया, कहा कि नहीं हम जो है आपकी जो है मतलब उसका अधीन हो गए। तो महात्मा बुद्ध के वो क्या किया, उंगली माल डाकू महात्मा बुद्ध के अधीन हो गए। यानी उस दिन से उंगली और काटना जो है छोड़ छाड़ दिया और इंसान का जीवन जीना शुरू कर दिया। उसके बाद देखो ये क्या कर, यहां से उठा और आया कहां, अभी कहां नाम लिखे थे लुम्बिनी। देखो यहां उसके बाद लुम्बिनी आया। देखो और जब यह लुम्बिनी आ गए महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध जब लुम्बिनी आए थे ना तो यह मतलब चल आए, और जब लुम्बिनी आ गए तो वहां पर बैठल थे। तो वो क्या किए, महात्मा बुद्ध को जो है ना एगो बुढ़िया के यहाँ बैठ पहुंचे, रास्ते में जा रहे वह उसको भूख लग गया, बुढ़िया के यहाँ बैठ गई। अब बुढ़िया के यहाँ जब बैठ गई तो भूख तो इसको लगबे न करेगा ना, तो बुढ़िया क्या की जे आम खाए रही थी, सबसे रास्ते में चला तो भिखारी बन के जा रहे थे, तो कहा कि हमको जो है ना सब भिक्षा दे दो। तब कोई पैसे देता था, कोई कुछ देता था। एक बुढ़िया मिल गई, वो खाना खा रही थी। वो जब खाना खा रही थी तो बुढ़िया को जो है ना सो उपास चला गया। महात्मा बुद्ध चले, कहा हमको भी भिक्षा दे दो माता, हमको भी भिक्षा दे दो। आज अभी ऐसे बोला महात्मा बुद्ध जब बोले तो बुढ़िया कहे कि हमको तो है कोई, हम अपने ना मर भिखारी हैं तो तुमको क्या देंगे। अब महात्मा बुद्ध गए हो तो गड़बड़ है, जो कुछ है दे दो, तो ऐसा कीजिए आधा आम हम खाते हैं, आधा आम आप खा जाइए, हम तो आधा खा गए हैं, आधा जो बचल है ना वो आप खा जाइए। कहे ठीक है। वो आधा आम जो बचल का था, बुढ़िया का खाए वाला बचल का, वो आधा आम खा गए। कौन खा गए, महात्मा बुद्ध खा गए। अब जब वो खा गए तो चार पांच को महिला नहीं वो चीज देता है सीधा पानी देता है सबको, तो कहला देखो तो की दल के तो फलना दिया है, वो क्या दिया तो ये दिया है लेकर नहीं। तो वो क्या की पूछ रहे, तो वो पूछे बाबा तो कहो बोलो बाबू तो सबसे अच्छा आपको जो है कौन सा दिया है लेकर के भिक्षा, तो सबसे बढ़िया अगर भिक्षा दिया है ना तो ये बुढ़िया दी है आधा गो आम जो दी है। अरे देखिए आप अपने सोना दिए चांदी दिए कुल जो संपत्ति था नहीं उसका इतना हिस्सा इतना खोट दे दिया, लेकिन ये जो बुढ़िया थी ना सब कुछ दे दिया। कैसे, अरे जब कोई व्यक्ति अपने खाने में से दे देता है लेकर के खुद नहीं खा करके और अपना पेट आधा भरा आधा नहीं भरा या वो भी नहीं हुआ, लेकिन वैसी में से अगर किसी और को दे दिया तो अब इससे अच्छा क्या होगा, इसीलिए ये तो सब कुछ दे दी बुढ़िया। लेकिन आप तो जो है ना कुल धन में से ना एक सिक्का निकाल के दिए, अगर खूब इतना दिए धन लेकर के तो कुल में से एगो सिक्का निकाल करके दिए, समझ गए, कुल में से एक सिक्का निकाल करके। तो सबसे अधिक धन कौन दिया लेकर के, सब कुछ कौन दे दिया, बुढ़िए दे दे। अब महात्मा बुद्ध को जब आगे चले तब इनकी जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर ही वहीं पर इसकी मृत्यु होती है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में जो है लुम्बिनी नामक स्थान में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। कहाँ हुई, लुम्बिनी नामक स्थान पर चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद जो है कब हुई, तो 468 ईस्वी में महात्मा ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो ये इतिहास खत्म।